पॉलिटिक्स वी विल डू टुडे, रीजन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इलेक्शंस इन इंडिया. ठीक है. सो अगेन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर इलेक्शन प्रोसेस ऑफ आर कंट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले इसका मीनिंग, ठीक है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन इट मीन्स द प्रोसेस, द इलेक्शन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द पीपल ऑफ एनी कंट्री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग अपनी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्शंस. ठीक है. इलेक्शन इज अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच पीपल ऑफ एनी कंट्री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्शन. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शन जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस एंड मिड टर्म इलेक्शंस. बाय इलेक्शन एंड मिड टर्म. जर्नल इलेक्शंस जो है, दीज आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. क्लियर. बाय इलेक्शंस आर कंडक्टेड ओनली टू फिल पर्टिकुलर सीट. लाइक अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टू फिल ओनली वन सीट, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो करंट एमपी या एमएलए, ठीक है, अगर वो रिजाइन कर देते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शंस करवाए जाते हैं, देन दीज आर कॉल्ड बाय इलेक्शन. ठीक है. देन मिड टर्म इलेक्शंस. मिड टर्म इलेक्शंस कब होते हैं? जब जनरल इलेक्शंस यानी कि 5 ईयर्स इलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कंटिन्यू हो जाती है. लेकिन 2 ईयर्स के बाद या 3 ईयर्स के बाद अगर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो डिसॉल्व होने के बाद जब उस पर्टिकुलर जो है वो टाइम पीरियड में फिर से इलेक्शंस करवाए जाते हैं, इनको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस. ठीक है. मिड टर्म इलेक्शंस कब होते हैं? व्हेन लोकसभा डिसॉल्व अर्लियर. अर्लियर का मतलब है एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, यानी कि 5 साल से पहले ही जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे इलेक्शन को क्या बोलते हैं? मिड टर्म इलेक्शन. व्हेन लोकसभा डिसॉल्व्स अर्लियर बिफोर इट्स टर्म. क्लियर. व्हेन लोकसभा डिसॉल्व्स अर्लियर बिफोर इट्स टर्म. क्लियर. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दीज इलेक्शंस टाइप वी कैन से देयर आर डिफरेंट टर्म्स यू शुड नो. लाइक बूथ कैप्चरिंग क्या होती है? बूथ कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर जो है वो किसी भी बूथ के ऊपर फिजिकल कंट्रोल कर लेते हैं. फिजिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कि कोई पोलिंग बूथ है में बोगस वोटिंग या जो फॉल्स वोटिंग होती है, ठीक है, वो करवाई जाती है, इसको बूथ कैप्चरिंग कहते हैं. तो बहुत सी टर्म्स हैं जो हम इसमें इलेक्शन जो चैप्टर है इसमें डिस्कस करेंगे. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाती है तो उस टाइम पीरियड में, लाइक अभी इन दीज डेज इन पंजाब, कोड ऑफ कंडक्ट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन. तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इलेक्शन कमीशन बनाता है और हर पार्टी को, हर कंटेस्टेंट्स को, कैंडिडेट्स को वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, नो पार्टी विल यूज द प्लेसेज ऑफ वर्शिप. ठीक है. तो आप कोड ऑफ कंडक्ट में अलग अलग इस रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख सकते हो कि कोई भी पार्टी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब बनाते हैं तो उसमें जो लोगों को कन्विंसिंग के लिए या किसी भी तरह से जब अपनी पार्टी की मीटिंग्स करते हैं तो वो रिलीजियस प्लेसेस को यूज नहीं करेंगे, ना ही रिलीजियस सिंबल्स को यूज करेंगे. ठीक है. देन नो पार्टी कैन यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स. ठीक है. ड्यूरिंग द कैंपेन वंस इलेक्शंस आर अनाउंस देन मिनिस्टर्स विल नॉट इनॉगरेट एनी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स और पॉलिसीज. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो दैट इज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, वो अपना क्रेडिट नहीं ले सकते. ठीक है. तो ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट. देन इलेक्शन कमीशन, आपको पता ही है कि हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. इंडिपेंडेंट है ये,
ठीक है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ आर कंट्री। देन यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज UAF, ऑल आर गिवन राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर एंड रिलीजन, बट एज कितनी है वोटिंग एज, दैट इज 18 ईयर्स। ठीक है, देन इसके बाद इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि दैट व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। हमारी कंट्री के जो इलेक्शंस हैं, डू यू थिंक दीज आर डेमोक्रेटिक, और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी कंट्री के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हाँ जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन आपने बहुत सी ऐसी स्टोरीज पढ़ी होंगी जिस जिन कंट्रीज में नो डाउट वहां पे डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहां पे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते। तो हम बताएंगे कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, या विच आर द फीचर्स कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्शंस की जरूरत भी क्या है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले नीड, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, देन फीचर्स, इलेक्शंस की जरूरत क्यों। ठीक है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक का मीनिंग बताओगे, डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेटिक वर्ड क्रेशिया वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ पीपल तभी होगी ना जब लोगों के पास राइट होगा अपनी गवर्नमेंट चुनने का। ठीक है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल बिकॉज थ्रू इलेक्शंस वोटर मेक देयर चॉइस, वोटर्स अपनी चॉइस बनाते हैं टू हूम दे आर चूजिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नंबर वन, वी नीड इलेक्शंस फॉर मेकिंग गवर्नमेंट। हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शंस होंगे तो ही गवर्नमेंट बनेगी। नंबर टू, वी नीड इलेक्शंस सो दैट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। हमें जो है वो इलेक्शंस इसलिए जरूरी है ताकि हम गवर्नमेंट बनाए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, ये रिप्रेजेंटेटिव आगे जो है हमारे लिए क्या बनाए, लॉज। देन वी नीड इलेक्शंस सो दैट गवर्नमेंट कैन फ्रेम इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट लॉज के साथ साथ बहुत सी पॉलिसीज बनाते हैं, ये पॉलिसीज वीकर सेक्शंस के लिए होती हैं, पुअर पीपल के लिए होती हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए होती हैं, फार्मिंग सेक्टर के लिए होती हैं। ठीक है, सो वी नीड इलेक्शंस सो दैट गवर्नमेंट शुड फ्रेम इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज फॉर द पीपल एंड फॉर द सोशल वेलफेयर एंड फॉर द कंट्री। देन इसके बाद वी नीड इलेक्शंस सो दैट आर रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बी आंसरेबल टू अस। हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, ताकि हम जिनको चुनते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमारे लिए आंसरेबल हो। आंसरेबल का मतलब क्या होता है कि अगर वो हमारे लिए अच्छे लॉज या पॉलिसीज नहीं बना रहे हैं तो वी हैव द राइट टू चेंज। हमें राइट भी होना चाहिए, लेकिन मोनार्की गवर्नमेंट में, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं था। तो वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम अपने रूलर्स, हम अपने हेड को इवेल्युएट करें, और अगर हमें ये लगता है कि दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वी हैव द राइट टू चेंज देम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। ठीक है, सो वी वांट इलेक्शंस इन अ कंट्री सो दैट गवर्नमेंट शुड फ्रेम इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज, मेक लॉज टू चूज आर रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड पीपल्स चॉइस कैन बी गिवन वेटेज, यानी कि लोगों की चॉइस को वेटेज दी जाए। लोग किसको चाहते हैं कि वो अपना हेड बनाए, किसको किंग बना, किसको रूलर बनाना चाहते हैं, तो ये लोगों के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारा जो है, दैट इज इम्पॉर्टेंस कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिना इलेक्शंस के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर हम कहते हैं कि किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वहाँ पे इलेक्शंस ही नहीं है, तो ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिना इलेक्शंस के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, देन इसके बाद है जो इलेक्शंस हैं दैट मेक प्रोसेस डेमोक्रेटिक। कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे हमें ये लगता है कि इलेक्शन जो हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। नंबर वन, रेगुलर इलेक्शंस। रेगुलर इलेक्शंस का मतलब क्या होता है, इलेक्शन शुड बी प्रॉपरली कंडक्टेड रेगुलरली, जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, रेगुलर फीचर्स वी आर डिस्कसिंग, रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी कंट्री में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो दैट इज डेमोक्रेटिक, यानी कि 5 ईयर्स में एक पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और 5 ईयर्स के बाद फिर किसी और पार्टी को ऑप्शन मिलता है, और अगर सपोज लोग उसको रिपीट भी करना चाहते हैं तो लोग उस पार्टी को रिपीट भी कर सकते हैं। तो दीज आर यू कैन से फीचर्स, यानी कि इलेक्शन शुड बी, अगर तो आता है व्हाट मेक्स, व्हाट शुड बी, तो आप ऐसे बोलोगे कि ये होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया है कि विच आर द फीचर्स,
तो आप कहोगे कि दीज आर द फीचर्स, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो रेगुलर इलेक्शंस का मतलब क्या है, फीचर क्या है हमारी कंट्री का, दैट इन आर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड रेगुलरली फ्री एंड फेयर, आफ्टर एवरी 5 years न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स हैव बीन चूजन बाय द सिटीजंस, लाइक लोकसभा विधानसभा एवरी आफ्टर एवरी 5 years। सो रिसेंटली अगर देखो पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं 5 साल के बाद, ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। नंबर टू, फिर आपने बताना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सेम लाइक इन आवर कंट्री वोटिंग राइट्स हैव बीन गिवन टू ऑल द पीपल, यूएएफ मींस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू ऑल द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर एंड रिलीजन, ठीक है। देन हमारी कंट्री में क्या है, सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट, बैलेट का मतलब क्या होता है, ओनली द सिटीजंस नो टू होम दे आर वोटिंग, सिर्फ हमें ही पता है कि हम किसको वोट कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी पार्टी या जिस भी कैंडिडेट को चूज कर रहे हो तो दैट इज योर चॉइस एंड दैट इज योर विश, ठीक है। यानी कि वोटिंग जो है वो क्या होती है, सीक्रेट होती है, सिटीजंस जो है वो किसी के सामने वोटिंग नहीं करते हैं, सेपरेट कैबिन होता है इलेक्शन डेज में जब रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रॉपर बूथ को कंट्रोल करते हैं, तो जिस रूम में आप वोटिंग करने के लिए जाते हो जहाँ पे बूथ जहाँ पे बनता है, तो वहाँ पे सेपरेट कैबिन होता है, उसको ब्लैक कलर से प्रॉपर कवर किया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो वोट है वो किसी को पता ना लगे कि आपने किसको दिया। देन जॉइंट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट, जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, इन आर कंट्री पीपल दे आर फ्री to vote to any person irrespective of any religion and community, यानी कि लोग जो हैं suppose if any person is Hindu, it is not compulsory that Hindu will vote for Hindu, ठीक है। joint electorate का मतलब होता है in our country people they are free to give their vote to any religion or community according to their choice, तो इसको बोलते हैं joint electorate, all the voters they irrespective of their caste creed or religion elect only one representative, वो अपने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव ही जीतता है, ठीक है। देर आर नो हिंदू मुस्लिम्स और सिख रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग जो हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, यानी कि हमारी कंट्री में जो इलेक्टोरेट यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं वो रिलीजन बेस्ड नहीं, सिंपल मीनिंग। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन इन आर कंट्री some seats have been reserved for SC and ST, तो number of seats आपको पता होना चाहिए, 84 seats are reserved for SC in parliament, in Lok Sabha, and 47 seats are reserved for ST in Lok Sabha, 47 for ST. So this reservation is given to those communities which were considered earlier lower caste, and now in our constitution by giving them reservation, so they have been given proper opportunity that they should come forward. You can say in the ancient time they were neglected, but now they have given some powers by the constitution, and this is called the reservation policy during elections. Then iske baad kya hai, election commission, election commission is independent in our country. No doubt election commission is appointed by the president, ठीक है, and it consists of how many members? 3 members. One is CEC plus 2 other members. All are elected by the president. But once they are elected by the president, they are free to take any decision regarding the elections. So that's make our country's election commission independent. Yeah, and after that we will discuss election petition. What is the meaning of election petition? Kind of written request that if any person feels that during elections, like in his area, elections were not conducted in a free fair manner, then that person can give the proof or evidences and can submit to the election commission. वो election commission को submit कर सकते हैं, and if election commission will verify and whatever the evidences and proofs shown by him these are correct, then the seat of that particular person, jo bhi person jeeta hai uski seat jo hai wo cancel ho jayegi,
उस एरिया में फिर बाई इलेक्शन करवाए जाए। तो इलेक्शन पिटीशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पार्टी या कोई भी पर्सन या कोई भी सिटीजन जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करता है, अगर कोई पर्सन जीत गया है और उनके पास कोई प्रूफ है कि इस पर्सन ने अनफेयर जो है वो मेथड से इलेक्शन जीते हैं, बूथ कैप्चरिंग करवाई है, रिगिंग करवाई है, बोगस वोटिंग करवाई है, फॉल्स वोटिंग करवाई है, तो ऐसा कोई भी प्रूफ अगर उनके पास पास है तो इलेक्शन पिटीशन यानी कि रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन फिर उनको वेरीफाई करते हैं, कई बार 6 मंथ्स भी लग जाते हैं, 1 ईयर भी लग जाता है, और उसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन इफ इलेक्शन कमीशन फाउंड दैट मेंबर गिल्टी और उस पार्टी को या कोई भी पर्सन जो है वो जीता है अनफेयर तरीके से, देन उसकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी एंड उसकी जगह फिर इलेक्शन द्वारा से होंगे, इसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। तो ऑल दीज फिक्चर्स मेक आर कंट्रीज इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टर्म्स इलेक्शन के रिलेटेड, मैनिफेस्टो, क्या होता है मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो कंटेन्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी कि आज जो है नॉमिनेशन आप देख रहे हो पंजाब में, सभी पार्टी जो है वो नॉमिनेशन फिल कर रही हैं, तो साथ ही हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को एक बुकलेट, पैम्फलेट्स या टीवी में आप देखते हो उनकी एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं उनका मैनिफेस्टो, बुकलेट इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी दैट टेल्स पीपल अबाउट द प्रोग्राम्स पॉलिसीज। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, मैनिफेस्टो बहुत जरूरी होता है क्योंकि मैनिफेस्टो को पढ़कर ही जो वोटर्स हैं अपनी चॉइस जो है वो किसी भी कैंडिडेट के लिए बनाते हैं। ठीक है, और मैनिफेस्टो कंटेन्स ऑल द यू कैन से प्रोमिसेस, मैनिफेस्टो जो होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रोमिसेस करती है और उन्हीं प्रोमिसेस के बेसिस के ऊपर लोग जो है वो अपनी चॉइस बनाते हैं। ठीक है, और इनके बेसिस के ऊपर ही वो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं। तो इस तरह से जो मैनिफेस्टो में वो पॉलिसीज होती हैं जिनके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स वोटर्स के वोट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देन होते हैं इलेक्शन सिंबल्स, इलेक्शन सिंबल्स। हमारी कंट्री में टोटल 8 नेशनल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज जो पूरी कंट्री में, जैसे INC, BJP, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है नेशनल पार्टीज। इसके अलावा स्टेट पार्टीज भी हैं जैसे अकाली दल, शिवसेना, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही होता है। इन सभी पार्टीज को सिंबल्स अलॉट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। INC का सिंबल क्या है, पाम हैंड। BJP का सिंबल क्या है, लोटस। अकाली दल का सिंबल क्या है, वेट एंड स्केल। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस के टाइम में सिंबल्स दिए जाते हैं। आजकल आप देखोगे कि जब भी कोई कन्विंसिंग के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर्स अपनी मैनिफेस्टो या जो भी डोर टू डोर कन्विंसिंग करते हैं, बैनर्स होते हैं, उन बैनर्स में एक तो लीडर की फोटो, उसका नाम और सिंबल और जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, ये 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, सबसे पहले सपोज कहीं भी आप बैनर देखोगे ना, वहां पे लीडर की फोटो होगी जिस पार्टी ने जिस पर्सन को टिकट दिया हुआ है। नंबर 2, उसका सिंबल होगा, उस पार्टी का सिंबल या जिस जो भी उसका सिंबल है। ठीक है, नंबर 3, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड नंबर 4, उनका जो भी स्लोगन है या जो भी उनका मतलब जो एक टैग लाइन्स होती हैं, वो टैग लाइन्स उसमें बनाई जाती है। और इस तरह से इन पोस्टर्स को देखकर लोग अपनी जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इलेक्शंस में किस पार्टी की तरफ से कौन से कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए। ठीक है, देन EVMs, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM का मतलब क्या है, द मशीन nowadays which आर यूज फॉर कैलकुलेटिंग और रिकॉर्ड द वोट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के भी सिंबल होते हैं, जरूरी नहीं है कि पार्टी का ही सिंबल होगा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनको भी सिंबल प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तरफ पर्सन का नेम होता है, एक तरफ उसके सिंबल्स होते हैं और एक तरफ होता है बटन, और बटन को प्रेस करते ही बीप की आवाज आती है तो आपका वोट जो है वो काउंट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जिस दिन वोटिंग होती है 9 to 5 प्रॉपर EVMs में वोट रिकॉर्ड किए जाते हैं, और आफ्टर 5 प्रॉपर इन EVMs को एक अलग से कोई बिल्डिंग जहां पे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उसको सेव कर दिया जाता है, जब तक रिजल्ट या जब तक काउंटिंग नहीं होती। इनको प्रॉपरली सील किया जाता है ताकि कोई भी पर्सन इनको ओपन ना कर सके, और सेफ प्लेस में इनको रखवा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पुलिस प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ऑल दीज फीचर्स दैट मेक्स आर कंट्रीज इलेक्शंस डेमोक्रेटिक।
इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजर्वेशन का फायदा क्या हो, ठीक है, अगर कहीं पे सीट्स वुमेन को सीट्स रिजर्व या फिर एससी एसटी को सीट जो है वो रिजर्वेशन दी गई है तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वॉज वरिड कि हमारी कंट्री में जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स ना आए। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जिनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होता है, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जिनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होता है, तो मेजोरिटी माइनॉरिटी को एक्सप्लॉयट ना करे और ऐसे लोग जिनको पहले लोअर कास्ट कास्ट सिस्टम में उनको लोअर या डाउन ट्रीडन माना जाता था उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ जो कास्ट हैं उनको एक लिस्ट में रखा है जिसको शेड्यूल्ड जो है वो लिस्ट कहा जाता है, ठीक है, तो मे बी उनके पास उस टाइम में रिसोर्सेज नहीं थे, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं थी या फिर टेक्निकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसीलिए इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनकी सोसाइटी इनकी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रखा है ताकि ये लोग भी आगे आए और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री में जो अल्ट्रा रिच पीपल हैं या जो बहुत ज्यादा रिच पीपल हैं वो इनको एक्सप्लॉयट करें, तो इनकी जो डिमांड्स हैं इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो ये गवर्नमेंट से चाहते हैं, ठीक है, ये भी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब हर सेक्शन के लोगों को प्रॉपर जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिले और इस रिप्रेजेंटेशन को देने के लिए हमारी कंट्री में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रखा गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करते हैं प्रोसीजर, इलेक्शन प्रोसीजर, प्रोसीजर में हमने क्या बताने हैं स्टेप्स, इलेक्शन प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब है कि जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से हमारी कंट्री में इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाते हैं, हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड और इलेक्शन प्रोसीजर, प्रोसीजर में आपने स्टेप्स बताने हैं प्रॉपरली कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इलेक्शंस जब भी हमारी कंट्री में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट, ठीक है, अनाउंसमेंट जब होती है तो उसके बाद ही सभी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शंस के लिए जो भी उनका जो है एफर्ट्स होते हैं उसको करने में लग जाते हैं। नंबर वन अनाउंसमेंट, वंस द डेट्स ऑफ इलेक्शंस आर अनाउंस्ड देन अकॉर्डिंग टू दैट सीट्स आर डिवाइडेड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनकी डिवीजन की जाती है, ठीक है, डिवीजन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर तो लोकसभा के इलेक्शंस हैं तो होल ऑफ द कंट्री विल बी डिवाइडेड इनटू 543 पार्ट्स, ठीक है। अब जैसे पंजाब में लोकसभा विधानसभा इलेक्शंस हो रहे हैं तो होल ऑफ द पंजाब इज डिवाइडेड इनटू 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो इन द एंड हमें कितने एमएलए मिलेंगे 117, और लोकसभा की बात करें तो पूरी कंट्री में से हमें कितने मिलेंगे 543 एमपीज। लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते हैं एमपीज और स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए। क्या होती है फुल फॉर्म एमएलए की, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा भी बोलते हैं उसको, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, स्टेट की होती है, ठीक है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिवीजन की जाती है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिवीजन कर दी गई इसके बाद फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटर्स कितने वोटर्स होंगे, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन प्रॉपर उनका रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। नंबर थ्री वोटर्स लिस्ट, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने वोटर्स जो हैं वो कितने वोटर्स हैं जो वोट देने के लिए तैयार है। सपोज अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पिछले इलेक्शंस में 18 नहीं था लेकिन अब हो गया, तो वोटर कार्ड्स उनके अपडेट किया जाता है, रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है और इस तरह से वोटर्स लिस्ट जो है वो फाइनलाइज की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट। इसके साथ ही क्या हो जाता है, नॉमिनेशन पेपर, आज का न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉमिनेशन पेपर आज का न्यूज पेपर पढ़ोगे आज जिसमें देखोगे कि पंजाब के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नॉमिनेशन फिल कर रही हैं,
और धीरे धीरे अपने कैंडिडेट्स के नेम जो हैं वो उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। और नॉमिनेशन एक पेपर होता है जिसमें सारी उस पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जिस पर्सन को टिकट देना होता है उसकी सारी इनकम टैक्स डिटेल, जो एफिडेविट होता है, प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसकी डिटेल नॉमिनेशन पेपर में लिखी जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली इसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं नेम कि किस पार्टी ने किस पर्सन को टिकट दिया है। ये प्रोसेस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, टिकट देना। टिकट देना मतलब अप्रूव करना कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस पर्सन को अपनी तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए राइट्स दे रही। ठीक है, इसके बाद फिर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के बाद एक प्रॉपर डेट होती है। इलेक्शन कमीशन वो डेट देते हैं कि इस डेट तक पर्सन जो है वो नॉमिनेशन जो है अपनी वापस ले सकता है। वापस लेना का मतलब कई बार क्या होता है, कोई पर्सन चाहता है कि वो अब इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करेगा तो वो अपना नेम वापस भी ले सकता है। ठीक है, और इन द मीन टाइम स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, केयरफुल एग्जामिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूटनी? स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, पूरे नॉमिनेशन पेपर्स को इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करता है। वट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द नॉमिनेशन पेपर, तो ऑल द इंफॉर्मेशन इज वेरीफाइड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। स्क्रूटनी का मतलब क्या है, केयरफुल एग्जामिनेशन। केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। ठीक है, इसके बाद जब सारा फाइनल हो जाता है, न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि अब हर पार्टी के लीडर्स ने अपनी अपनी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कैंडिडेट्स, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो मेन प्रोसेस है वो शुरू होता है, कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग। इलेक्शन कैंपेन, इसमें क्या होता है, लीडर्स अपनी अपनी पार्टी के साथ मिलकर रैलीज करते हैं, डोर टू डोर कन्विंसिंग होती है, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में। ठीक है, स्पीचेस होती हैं, और जिसमें जो है वो लीडर्स अपनी अपनी पार्टी के बारे में, जो उनका मैनिफेस्टो होता है, जो उनके पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सारा अनाउंस करते हैं और सुनाते हैं और वोटर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, जिसमें कैंडिडेट्स जो हैं वो लोगों के पास जाकर अपनी प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स पब्लिश किए जाते हैं, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, स्पीचेस डिलीवर की जाती हैं, न्यूज़पेपर, टेलीविजन के द्वारा डिबेट्स एंड डिस्कशन होते हैं। और कई बार क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट एलिगेशंस भी लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो कैंपेनिंग है, ठीक है, ये 2 डेज पहले, वोटिंग, जिस दिन वोटिंग डे होता है 2 डेज पहले ये कैंपेनिंग को बंद कर दिया जाता है। जिस दिन सपोज वोटिंग है, सपोज अगर 20 फरवरी को इलेक्शन होने हैं ना, तो 2 दिन पहले इलेक्शन की कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। ये 2 दिन का टाइम वोटर्स को सोचने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है वोटिंग डे। वोटिंग डे इन बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है जिसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ऑन द फिक्स डेट जब वोटिंग डे होती है, इलेक्शंस आर कंडक्टेड, गवर्नमेंट स्टाफ, पुलिस प्रोटेक्शन प्रॉपर जो है उनको लगाया जाता है, एंड 9 to 5 प्रॉपर वोटिंग करवाई जाती है। ईवीएम्स को प्रॉपरली, सेफली, सिक्योर जो है वो जहाँ पे भी उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स की ड्यूटीज होती है वहां पर पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद फिर वोटिंग के बाद नेक्स्ट होता है काउंटिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है काउंटिंग ऑफ वोट्स। आपका प्रोसीजर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप एंड में रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं लिखोगे। ठीक है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, फिर वोट्स को काउंट करवाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जब सभी पार्टीज के मेंबर्स की जितनी जितनी उनको वोट्स पड़ी हैं, जहां जहां से वो जीते हैं, तो टेलीविजन में लाइव जो है वो आपको अपडेट्स आते रहते हैं। और एंड वाला जो स्टेप क्या होता है, डेक्लरेशन ऑफ रिजल्ट्स। डेक्लरेशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, और इफ एनी पर्सन कंप्लेन्स इन द एंड, तो फिर हम एंड में लास्ट स्टेप क्या लिखते हैं, इलेक्शन पिटीशन।
इलेक्शन पिटीशन का मतलब क्या होता है कि इफ एनी पर्सन कंप्लेंट्स दैट द पर्टिकुलर पर्सन और पॉलिटिकल पार्टी दे हैव यूज्ड अनफेयर मींस ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो दे हैव वन विद द यू कैन से अनफेयर मींस, सो देन दे कैन कंप्लेन एंड सेम प्रोसीजर इज फॉलोड. इलेक्शन कमीशन फिर पूरी वेरिफिकेशन करता है और उसके बाद ये लास्ट स्टेप है. अगर होता है इलेक्शन पिटीशन तब करवाई जाती है अगर किसी ने कोई कंप्लेंट करनी. तो अदरवाइज दीज आर द स्टेप्स ऑफ द इलेक्शंस, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, हाउ इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया, और विच आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द इलेक्शंस, या इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है. दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्शंस. देन द नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज एंड अबाउट द इलेक्शन कमीशन. Clear? Now any doubt? If any doubt, then you can ask. Anji, raise your hands, beta. Wait for 1 minute.